के रूप में रथ सरायकेला पहुंची है और आप देख रहे हैं कि सरायकेला में भारी जनसभा में जनता उमड़ पड़ी है, क्योंकि जनता में बहुत नाराजगी है इस बात को लेकर के कि जिस उद्देश्य के साथ झारखंड की जनता ने हेमंत सरकार को मौका दिया था, वो सरकार ने जनता को निराश किया और जनता के उन अधिकारों को जिससे जनता ने उम्मीद किया था कि लाभ होगा, उन अधिकारों को दमन करने का काम किया और इसलिए यह परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम संदेश दे रहे हैं कि युवाओं के साथ धोखा हुआ, महिलाओं के साथ धोखा हुआ, यहाँ के नागरिकों के साथ धोखा हुआ और वैसे लोगों के साथ साठ गांठ करके सरकार चला रही है जो हमेशा यहाँ के जनता के ऊपर में, यहाँ के आदिवासियों के ऊपर में गोली चलाए। आज आदिवासी के नुमाइंदे होने की बात करते हैं लेकिन जितनी गोलीकांड हुई है उस गोलीकांड का मुख्य अभियुक्त यदि कोई है तो वो कांग्रेस है के रूप में रथ सरायकेला पहुंची है और आप देख रहे हैं कि सरायकेला में भारी जनसभा में जनता उमड़ पड़ी है, क्योंकि जनता में बहुत नाराजगी है इस बात को लेकर के कि जिस उद्देश्य के साथ झारखंड की जनता ने हेमंत सरकार को मौका दिया था, वो सरकार ने जनता को निराश किया और जनता के उन अधिकारों को जिससे जनता ने उम्मीद किया था कि लाभ होगा, उन अधिकारों को दमन करने का काम किया और इसलिए यह परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम संदेश दे रहे हैं कि युवाओं के साथ धोखा हुआ, महिलाओं के साथ धोखा हुआ, यहाँ के नागरिकों के साथ धोखा हुआ और वैसे लोगों के साथ साठ गांठ करके सरकार चला रही है जो हमेशा यहाँ के जनता के ऊपर में, यहाँ के आदिवासियों के ऊपर में गोली चलाए। आज आदिवासी के नुमाइंदे होने की बात करते हैं लेकिन जितनी गोलीकांड हुई है उस गोलीकांड का मुख्य अभियुक्त यदि कोई है तो वो कांग्रेस है के रूप में रथ सरायकेला पहुंची है और आप देख रहे हैं कि सरायकेला में भारी जनसभा में जनता उमड़ पड़ी है, क्योंकि जनता में बहुत नाराजगी है इस बात को लेकर के कि जिस उद्देश्य के साथ झारखंड की जनता ने हेमंत सरकार को मौका दिया था, वो सरकार ने जनता को निराश किया और जनता के उन अधिकारों को जिससे जनता ने उम्मीद किया था कि लाभ होगा, उन अधिकारों को दमन करने का काम किया और इसलिए यह परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम संदेश दे रहे हैं कि युवाओं के साथ धोखा हुआ, महिलाओं के साथ धोखा हुआ, यहाँ के नागरिकों के साथ धोखा हुआ और वैसे लोगों के साथ साठ गांठ करके सरकार चला रही है जो हमेशा यहाँ के जनता के ऊपर में, यहाँ के आदिवासियों के ऊपर में गोली चलाए। आज आदिवासी के नुमाइंदे होने की बात करते हैं लेकिन जितनी गोलीकांड हुई है उस गोलीकांड का मुख्य अभियुक्त यदि कोई है तो वो कांग्रेस है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।